हरिओम, मैं योगाचार्य भारती। मेरे चैनल शिव योगिनी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से आप अपने किडनी स्टोन को बहुत इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताऊंगी कुछ आसन कि आपने कौन कौन से करने हैं, और आपको थोड़े में एक मुद्रा बताऊंगी जिसकी सहायता से आप अपने किडनी स्टोन को रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए, आप आसन कर सकते हैं, बहुत इजी है। आप अर्धमत्स्येन्द्रासन कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप ताड़ासन कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। जानुशीर्षासन आप कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा यदि आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है। भुजंगासन आप कर सकते हैं, साथ ही साथ आप कर सकते हैं मत्स्यासन। और यदि आप षटक्रिया करना चाहें तो आप कर सकते हैं कुंजल, आप कर सकते हैं अग्निसार, आप कर सकते हैं, और रोजाना आप एनिमा ले सकते हैं यदि आपको किडनी स्टोन की समस्या है। तो आप ये सभी कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। डीप इनहेल डीप एक्सहेल कीजिए, और जितना ज्यादा हो सकता है फूड को थोड़ा अवॉइड कीजिए, और वाटर जितना ले सकते हैं वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। कोकोनट वाटर लीजिए रोजाना, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जितना ज्यादा हो सके कुल्थी की दाल का पानी आप मॉर्निंग लीजिए, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप साथ ही साथ ले सकते हैं ब्लैकबेरी आप ले सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा कर्ड के साथ। और आप मुद्रा कर सकते हैं अपान मुद्रा। तो अपान मुद्रा आपने करनी है कैसे, इस प्रकार से आपने करनी है अपान मुद्रा। अपने इंडेक्स फिंगर को फोल्ड करना है, देन अपने थंब से आपने टच करनी है अपनी रिंग फिंगर एंड मिडिल फिंगर। दिस इज योर अपान मुद्रा। तो आप 48 मिनट अपान मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं यदि आपको किडनी स्टोन की समस्या है। और हो सके तो ज्यादा नमक वाला खाना आप ना खाएं, अल्कोहल से बचे, ये सब चीजें आपको अवॉइड करनी होगी। टमाटर ज्यादा ना लें और हरी मिर्च ज्यादा ना लें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। सिंपल फूड खाएं, बॉईल करके फूड खाएं, और ज्यादा से ज्यादा लिक्विड लें, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ हो सके तो आप किसी भी एक पोस्चर में 1 घंटा या आधा घंटा से ज्यादा ना बैठे यदि आपको किडनी स्टोन की समस्या है। और यदि किडनी स्टोन आपको रिमूव भी हो जाता है तो उसके बाद भी आप अपनी डाइट को बिल्कुल सही रखिए, क्योंकि कईयों के क्या होता है कि स्टोन रिमूव हो जाता है उसके बाद हर मंथ फिर से उन्हें स्टोन बन जाते हैं। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा यदि आपको किडनी स्टोन की समस्या है। अब देखिये, किडनी स्टोन होते क्यों है, ये आपकी डाइट की वजह से होता है। यदि आपकी रॉन्ग डाइट है तो आपको यह हो सकता है, और साथ ही साथ आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है तो हो सकता है, और यूरिक एसिड एंड कैल्शियम के जो ये फंक्शन होते हैं इनकी वजह से आपको हो सकता है किडनी स्टोन। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम यदि आपको रहती है तो आपको किडनी स्टोन हो सकता है। विटामिन ए विटामिन सी की अगर कमी है तो आपको किडनी स्टोन हो सकता है। आपकी बॉडी में पानी की कमी है तो आपको किडनी स्टोन हो सकता है। मेंटल टेंशन यदि आप बहुत ज्यादा लेते हैं तो आपको किडनी स्टोन हो सकता है। और बहुत ज्यादा साल्टी आप खाना खाते हैं तो हो सकता है। ये बहुत सारे रीजन आपके किडनी स्टोन के जो कि आपकी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है, तो आप इसको थोड़ा सा चेंज करके अपने किडनी स्टोन की समस्या से बच सकते हैं। बाकी जो आसन मैंने आपको बताए हैं वो मैंने बहुत सारी वीडियो में किए भी हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। अर्धमत्स्येन्द्रासन, भुजंगासन, जानुशीर्षासन, ये बहुत इजी आसन है, सभी आप कर सकते हैं इजीली, और रोजाना करके आप अपनी किडनी स्टोन की समस्या से बच सकते हैं। और जो मुद्रा मैंने आपको बताई है पान मुद्रा, इसका अभ्यास आप जरूर करें, 48 मिनट करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, बेड पर बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सभी इसे जरूर अप्लाई कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा जिससे कि विदाउट एनी कॉस्ट वो लोग ठीक हो सके। ठीक है, कोई कॉस्ट नहीं लगेगी इसकी, आपको कोई पैसा नहीं देना है, जस्ट आपको इसे फॉलो करना है, इन आसनास को एंड डाइट प्लान को, और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। आप सभी का मंगल, आप सभी खुश रहें, मुस्कुराते रहें। हरिओम।